सो हे गाइस, न्यूज बॉय तो फिर से हम बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बिग बॉस का न्यूज नहीं चाहिए। पिछली बार की तरह मतलब पूरा न्यूज बिग बॉस का ही नहीं दूंगा, एक दो झगड़े जो होते हैं वही दिखाऊंगा, एंड वो भी सिर्फ यूट्यूबर्स का, ठीक है। तो कल ना युगेश ऋषभ राइडर ने मुन्ना और फारूकी के बीच में जो एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, लेकिन इससे पहले बता दो, मुन्ना और फारूकी पहले बोल रहे थे ना कि युगेश ऋषभ राइडर जो उनसे बात नहीं कर रहे, उनको इग्नोर कर रहे, इसे वो बोल रहे थे। तो कल वो आर्ग्यूमेंट क्यों हुआ? मुन्ना और फारूकी ने ना युगेश ऋषभ राइडर को पूछ लिया कि तूने क्या किया किचन में, बेसिकली किचन ड्यूटीज का बात कर रहे थे। तो वहीं पे युगेश ऋषभ राइडर बोलते हैं मैंने हेल्प किया, मेरी ड्यूटी ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। तो वहीं पे मुन्ना और फारूकी कहते हैं तू ये आर्ग्यूमेंट मत दे। फिर वहीं पे युगेश ऋषभ राइडर बोलते हैं ना भाई आर्ग्यूमेंट करने कौन आया, मैं आया हूँ ये बोलते हुए कि तेरी ड्यूटी क्या थी। तो वहीं पे मुन्ना और फारूकी बोलते हैं ना तूने मुझे यहाँ क्या हेल्प किया बता। तो वहीं पे युगेश ऋषभ राइडर कहते हैं मेरा काम ही नहीं है हेल्प करना। तो वहीं पे मुन्ना और फारूकी बोलते हैं ना तो तू बोल रहा है तूने हेल्प किया। एंड वहीं पे विकी जैन से मुन्ना और फारूकी पूछते हैं कि आप पूरा दिन किचन में थे, तुमने देखा इसको हेल्प करते हुए? तो वहीं पे युगेश ऋषभ राइडर बोल देते हैं मैंने कुछ नहीं किया किचन में। तो आना एक एक्ट्रेस बोलती है आज क्या किया। बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था ना किचन ड्यूटीज को लेकर, एंड इसके बाद किचन ड्यूटीज को लेकर काफी लंबा एक आर्गुमेंट हुआ था बिग बॉस के घर में सारे कॉन्टेस्टेंट्स के बीच में। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, आईसो स्पीड के बारे में। तो कल आईसो स्पीड का एक क्लिप दिखाया था मैंने आपको, पता होगा ये वाला, आप देख सकते हो, जहाँ पे आईसो स्पीड ना पूरा डर जाता। तो अभी वो चाहते कि वो जो सांप है ना उसको जब पुलिस अरेस्ट करे, या उन्होंने पुलिस को भी यही बोला ना आप देखिए आप देखिए He wore it yesterday, so it's He did? Yeah. He did, he did. During the match, bro. I'm about to put him on. Damn, Virat Kohli has good underwear. God damn. Also, ISO Speed ना मिथपैट का नाम नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद देखिए। Okay, okay, all right, look, 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 we got my boy Techno, woo, and we got my boy मिथपैट, नाम ही नहीं मालूम मेरे, मिथपैट, निकपैट, मिथपैट, we got my boy Nick. चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना मिले अंकित बयानपुरिया से। यस, अंकित बयानपुरिया एक ट्वीट किए थे राम राम भाई सारन ने, उसका अमित भड़ाना भी रिप्लाई करते हुए लिखे जय श्री राम अंकित। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, राउंड 12 के बारे में। तो राउंड 12 का भाई क्रेजी वीडियो आने वाला है, जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि नाजिम एक ट्वीट करके बताया आज तक किसी ने वैसा किया नहीं है यूट्यूब पे, उस लेवल का वो कॉन्टेंट ला रहा है। उसका वो छोटा सा टीजर भी अपलोड किए थे आप देखिए। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एल्विस यादव के बारे में। तो अभी ना काफी सारे कंप्लेन करते रहते हैं कि एल्विस भाई जो है बदल गए, महंगी महंगी जगह जाते हैं, घूमते भी है वैसे वैसे लोगों के साथ, वैसे वैसे मतलब समझ जा रहे जिनको वो पहले रोस्ट करते थे। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा आप खुद देखिए। भाई एक चीज की कंप्लेंट जो मुझे बहुत ज्यादा आती है लोगों की कि एल्विस भाई तुम तो बदल गए हो, तुम तो महंगी महंगी जगह जाते हो और पार्टियां करते हो और ऐसे ऐसे लोगों के साथ घूमते हो, इसके एक्सप्लेनेशन देना एक बार कटारिया। देखो इसका आंसर मैं देता हूँ, इसका आंसर ना बहुत सिंपल है। चलो तुम्हारा एग्जाम्पल देते, सपोज तुम कोई जॉब कर रहे हो और मान लो 10,000 रुपए महीने की जॉब कर रहे हो और सब तुम्हारे यार दोस्त कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया, फिर तुम एकदम से 1,00,000 रुपए की जॉब करने लग गए। ऐसे ऐसे टाइम आया ना, आगे बढ़े लाइफ में, अडेप्ट करा तुमने भी 1,00,000 रुपए के हिसाब से। तुम मान लो मैं लंदन आया या फिर कोई दूसरी कंट्री गया, ऑस्ट्रेलिया गया, बड़ी कंट्री गया, यूएस गया, तो ये तुम्हारे भाई के लिए तरक्की तो है। अगर मेरा कोई जिसको मैं चाहता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, अगर वो आगे बढ़ेगा, वो 10 गुना ज्यादा पैसे कमाएगा, ज्यादा ट्रैवल करेगा, ज्यादा मजे करेगा जिंदगी में, खुश होगा, तो मैं भी उसे देख के खुश होऊंगा भाई। ऐसे नहीं कि तू तो चेंज हो गया, ओहो तू तो अब यूएस रहने लग गया, अब तो तू इतने पैसे कमाने लग गया, पार्टी करने लग गया, तू हमारा नहीं बचा। ऐसा नहीं होता भाई, जिससे तुम प्यार करते हो और वो खुश है तो ऑटोमेटिकली तुम खुश रहते हो। और सुना फुकरा इंसान के ऊपर काफी सारे बाबर आजम के फैंस ऑफेंड हो गए। ऐसा
क्यों है, उन्होंने इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया, आप खुद देखिए। एंड पाकिस्तानी टीम फर्स्ट टाइम हैदराबाद आई, दैट वाज गुड। हां भाई, एक मैंने देखा मीम, मैंने जहां पर ना प्रेडिक्शन करी थी जब इंडिया पाकिस्तान मैच देखने गया था, मैंने कहा था कि बाबर भाई 10 रन मारेंगे। भाई मैं बाबर भाई की पूरी इज्जत करता हूं, ठीक है, कोई मेरे को बोल लगे तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो, भाई तुम कुछ भी बोलते हो क्या भाई, मजाक क्या उड़ा, मैंने प्रेडिक्शन करी थी 10 रन मारेंगे। भाई इंडिया कम रन पे आउट करेगी ना उनको, इंडियन बॉलिंग अटैक में वी हैव टू मेनी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स जसप्रीत बुमराह। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, योयो हनी सिंह के बारे में। तो योयो हनी सिंह का जो न्यू म्यूजिक वीडियो वो आउट हो चुका है, आपको पता होगा, कला स्टार, जो कि मतलब काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है ना, उन्होंने एक पोस्ट किया विद ओवर 56 मिलियन व्यूज अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स इन जस्ट 24 आवर्स। यस, 24 आवर्स में 56 मिलियन व्यूज हो गए थे भाई सारे प्लेटफॉर्म को मिला। योयो हनी सिंह एंड सोनाक्षी सिन्हा कला स्टार इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स इन स्टाइल, ट्रेंडिंग इन ओवर 20 कंट्रीज। जॉइन द मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हु कांट स्टॉप हिटिंग द रिपीट बटन टू द हॉटेस्ट म्यूजिकल रिलीज। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जोमैटो के बारे में। जोमैटो के जो मार्केटिंग हेड है, उन्होंने एक खतरनाक आइडिया लगाया। उन्होंने इंदौर में एक मॉडल को हायर किया एंड वो मॉडल आप देखो तो बाइक चला रही है एंड जोमैटो का बैग है उसके पीछे ना, जो कि खाली बैग। एंड ये मॉडल क्या करती है ना, एक घंटा सुबह को बाहर निकलती है मतलब कि बाइक में एंड एक घंटा शाम को। ऑफकोर्स ये वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन काफी सारे लोग जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं क्योंकि लड़की ने जो हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एरॉन फिंच के बारे में। तो एरॉन फिंच को जब पूछा गया ना कि जसप्रीत बुमराह को टैकल करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो उन्होंने कहा जस्ट रिटायर लाइक आई डिड एंड वो हंस देते हैं ना, मतलब कि जसप्रीत बुमराह के बॉल को टैकल करने का कोई बेस्ट तरीका नहीं है, आउट हो जाओ भाई। और जो एरॉन फिंच बुमराह को कंसीडर करते हैं एज बेस्ट ऑल फॉर्मेट बॉलर करेंटली। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, टाइगर 3 के बारे में। तो टाइगर 3 का ट्रेलर आउट हो चुका है, वो भी भाई काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं ना। जवान मूवी का जो ट्रेलर था उसमें 24 आवर्स के अंदर 24 मिलियन व्यूज आए थे, पठान के आए थे 27 मिलियन व्यूज इन 24 आवर्स एंड टाइगर 3 का भाई 30 मिलियन प्लस व्यूज आ गए सिर्फ 9 घंटे में। ऑफकोर्स नीचे बहुत सारे लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत सारे एड्स चल रहे इसलिए इतना व्यूज आ रहा है। बाकी अगर आप लोगों ने देख लिया टाइगर 3 का ट्रेलर तो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर से बताना। और यहाँ पे सलमान खान का बात करें तो बात करते हैं शाहरुख खान के बारे में। तो कुछ कुछ होता है कि ना 25th एनिवर्सरी था, ठीक है, जिसके लिए मेकर्स ने स्पेशल स्क्रीनिंग रखा था मुंबई में, जहाँ पे शाहरुख खान, करण जौहर, रानी मुखर्जी ये सब आए थे एंड वहीं पे शाहरुख खान ना सारे कास्ट को थैंक्स बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो सलमान खान का नाम नहीं लिया एंड कुछ फैंस ने उनको सलमान खान का याद दिलाया, तो उन्होंने कहा मैं इंटरवल के बाद आता हूँ, मेरा स्पीच अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो बोलते हैं मेंशनिंग इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एक वीडियो के बारे में जो कि हैदराबाद का, ठीक है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे एक कपल क्या करते हैं ना, वो कार के रूफ में होते हैं, वैसे सनरूफ से निकल के ना किस कर रहे होते रस्ते में। ऑफकोर्स ये वीडियो को देखकर काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, ट्विच स्ट्रीमर हसन पाइकर के बारे में। तो अभी आपको पता होगा इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन का वार, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को, ठीक है, एंड ये अभी तक भाई 5.6 करोड़ रुपीज भी रेज कर चुके हैं फॉर मेडिकल रिलीफ फॉर पैलेस्टीनियंस। उन्होंने बताया कि शुरू के 40 मिनट में ही जो है 1.5 करोड़ रुपीज रेज हुए थे। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, ओलंपिक्स 2028 के बारे में, जो कि होने वाला है लॉस एंजलिस में। तो अभी ओलंपिक्स 2028 के लिए जो है 5 स्पोर्ट्स को जो इंक्लूड कर लिया गया। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स है भाई, वो है बेसबॉल, लैक्रोस है, आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो क्रिकेट भी इंक्लूड कर दिया गया, स्क्वाश एंड फ्लैग फुटबॉल। 128 ईयर्स के बाद क्रिकेट को फिर से ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया। और लॉस एंजलिस के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर है, उन्होंने विराट कोहली के बारे में बताया, मेरे फ्रेंड विराट कोहली के बारे में सोचो, ही इज द थर्ड मोस्ट फॉलोड एथलीट ऑन सोशल मीडिया विद ओवर 340 मिलियन फॉलोअर्स, जो कि लेब्रॉन जेम्स, टॉम ब्रैडी एंड टाइगर वुड्स के मिला के भी उतने नहीं है। उन्होंने लास्ट में कहा दिस इज द अल्टीमेट विन विन फॉर लॉस एंजलिस 2028। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, मिकी आर्थर के बारे में। तो बता दूं ये जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे ना, अभी फिलहाल पाकिस्तान के कोच है, उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बताया था कि ये जो वर्ल्ड कप है ये ऐसा लग रहा है जैसे बीसीसीआई इवेंट इंस्टेड ऑफ एन आईसीसी इवेंट। जब रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था ना, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया इसको लेकर जो आईसीसी रिव्यू करने वाला एंड शायद से उनको कुछ फाइन वगैरह भी भरना पड़ सकता है फॉर इनडायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग आईसीसी इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ने एक कमेंट शेयर किया था, ठीक है, जो कि 8 साल पहले उनको किसी ने किया था, जहां पे उसने लिखा था यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी अ रियली गुड बिग यूट्यूबर लाइक आई कैन सी यू बी विद ऑल दोस यूट्यूब इवेंट्स एंड स्टफ। उसका मिस्टर बीस्ट ने रिप्लाई किया था कैंपिंग मास्टर्स ओ डोंट मेक मी ब्लश। फिर किसी ने मिस्टर बीस्ट के कमेंट को 1 साल बाद रिप्लाई दिया था ना, मिस्टर बीस्ट नाउ यू हैव 1,75,000 सब्सक्राइबर्स। फिर वो लिखे फाउंड दिस कमेंट्स ऑन एन ओल्ड वीडियो लॉल। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो ज्ञान थेरेपी के एक वीडियो मैंने किसी ने कमेंट किया था, ये खालिस्तानी सपोर्टर है इसलिए इसके शर्ट में कनाडा का फ्लैग है। बेसिकली वो जो टी शर्ट पहने थे ना वहाँ पे जो है कनाडा का फ्लैग है, आप देख सकते हो। तो उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा ऐसा भी होता है क्या। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, जिया शंकर के बारे में। तो जिया शंकर को ना काफी सारे फैंस उनको गिफ्ट्स वगैरह भेजते रहते होंगे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मत भेजो करके। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम लोग पैसे खर्च करो, इससे अच्छा डोनेट कर दो या फिर अपने लिए कुछ खरीदो, अगर फिर भी मुझे कुछ भेजना चाहते हो देन फिर सिंपली हैंड रिटन लेटर्स भेज सकते हो। लास्ट में वो कही I
आई प्रॉमिस टू कीप दोस लेटर्स विद मी फॉरएवर, आई लव यू गाइस। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, अनिशा दीक्षित के बारे में। तो उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी, ठीक है, इफ बॉयज मेक फन ऑफ वुमेन ऑन द इंटरनेट इट्स ओके बट इफ गर्ल्स डू देन बॉयज कांट टेक इट एज अ जोक। तो क्या ऐसा है कि अगर लड़के जो है लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं इंटरनेट पे तो फिर ठीक है, एंड अगर लड़कियां लड़कों का मजाक उड़ाती है इंटरनेट पे तो क्या वो जोक नहीं ले पाते? तो यहाँ पे बेसिकली वो वही पूछ रही है। क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर से बताना। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, सारे दिल टूटे हुए आशिकों के लिए गाना है, ठीक है। हमने तो जब कलिया मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।